ब्रिटेन में कोरोना का सबसे लंबे समय तक चलने वाला मामला सामने आया है। 35 साल की फातिमा ब्राइडल कोरोना संक्रमण से 130 दिन से जूझ रही थीं। हाल ही में इन्हें रिकवरी वार्ड में ट्रांसफर किया गया है। फातिमा और उनके पति ट्रेसी को संक्रमण मोरक्को की यात्रा के बाद हुआ था। वो 6 मार्च को ब्रिटेन आए थे। पहले संक्रमण के लक्षण पति में दिखे, उसके बाद फातिमा में दिखने शुरू हुए। 12 मार्च को दोनों को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पति कम समय में ही रिकवर हो गए, लेकिन फातिमा को 4 महीने में 105 दिन वेंटिलेटर पर बिताने पड़े। फातिमा को भर्ती करने के बाद 18 मार्च तक कई बार एंटीबायोटिक्स दी गईं, लेकिन दवाएं फेल साबित हुईं। एक फेफड़ा बुरी तरह से डैमेज हो चुका था, इसलिए उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। यहाँ वो 40 दिन तक कोमा में रहीं। फातिमा निमोनिया, कोरोना और सेप्सिस तीनों से एक साथ जूझ रही थीं। इतने लंबे समय के बाद अब फातिमा बात करने लायक स्थिति में हैं और अपने पैरों पर चल पा रही हैं। रिकवरी पर उन्होंने कहा, ये एक सपने जैसा लगता है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।